ओके, आज आप सोच रहे होंगे कि दीपक कहाँ है। तो कल वीकेंड है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सरप्राइज प्लान करते हैं। तो दीपक ऑफिस गए हैं, अभी हम ना कहीं घूमने जा रहे हैं। कब? अभी। अच्छा, देंगे आज वहाँ है। हाँ, तो ना मैंने पैकिंग वैकिंग सब कर ली है, बस अब चल रही है। दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मैं जिम में जा रहा हूँ। कहाँ जिम जा रहे? मैंने तो पैकिंग कर दी है। चल, ऐसे तो ना होता भी सरप्राइज सरप्राइज क्या होगा। अभी बता दूँगी सबको। तो मुझे क्या कपड़े ले जाने? मुझे तैयारी तो करनी पड़ेगी उस हिसाब से। बारिश बड़ा है। तुम बताओ कितने दिन के लिए जा रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं। चलें। वेल, आई हैव नो आइडिया कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे पहुँचेंगे, क्या खाने का है, कुछ नहीं पता मुझे। वैसे कुछ नहीं बता रही है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे उतरना है, और मुझे लग भी नहीं रहा कि आज खाना वाना मिलेगा, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। अभी बहुत देर की बात। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं लैंड स्क्रोना करके एक स्टेशन है, एक जगह है। इससे आगे को कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, और मौसम बहुत ही ख़राब होने वाला है क्योंकि अभी आसमान पूरा नीला था और वहाँ से एकदम पूरे बादल आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही डरावने लग रहे हो। और पूरा आसमान नीला है लेकिन आप वहाँ से देखो तो एकदम काले बादल आ रहे हैं। जगह तो अच्छी लग रही है, हैं? उसने पूरा पैसा लिया आज का? आपको क्या करना है, छोड़ो सा। मतलब आज तो हमारी शाम हो गई, वैसे ही पूरा पैसा दे रहे हैं आज का? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मतलब तुमने क्या किया है? हाँ, डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट दिया उसने? कहाँ होता है डिस्काउंट का यार। हमें कहाँ जाना है अब? देख तो कैसे जाएंगे? हैं? देख तो कैसे जाना है मुझे समझ नहीं। 5 किलोमीटर वॉक करना है क्या? पोजीशन ई थी? पोजीशन ई था? मैं देखूं? प्रियंका एकदम गलत बस में ले आई है, पता नहीं कहाँ पे हम उतरे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है? और अभी यहाँ से देख रहे हैं तो हम एकदम ही गलत डायरेक्शन में आ गए हैं। यहाँ से 1 घंटा और लगेगा। तो पहले तो हम लैंड्सक्रोना ट्रेन स्टेशन था जहाँ पे से हम आए थे, अभी वहाँ वापस जाना है। यहाँ से अभी बस है, मतलब 15-20 मिनट बाद बस है जो वहाँ पहुँचाएगी। वहाँ पे फिर आधा घंटा वेट करके दूसरी बस पकड़ के फिर जाना है, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर वॉक करनी है। वेल, फिर से हम उसी जगह पे आ गए जहाँ से हम निकले थे, लैंड्सक्रोना स्टेशन। यहाँ पर से अभी आधे घंटे का वेट टाइम है और उसके बाद यहाँ से दूसरी बस है जो हमें एक स्टेशन में छोड़ेगी, और वहाँ के बाद ऐसा नहीं है कि उसके बाद आ गया, उसके बाद फिर आपको चलना है 1.5 किलोमीटर। और अभी जो बस हम पकड़ने वाले हैं वो इस बार की आज की लास्ट बस है। अगर वो मिस कर दी तो उसके बाद जो नेक्स्ट बस है वो मंडे की है। संडे को यहाँ पूरा बंद रहता है, सैटरडे भी। ये जल्दी आने के चक्कर में ना मैं इतनी सारी चीज़ें भूल गया हूँ। मैं चश्मा भूल गया अपना, बहुत सारी किताबें भूल गया हूँ, इस कैमरे में जो बैटरी लगती हैं उनका चार्जर भूल गया हूँ। अभी मैंने देखा कि हम यहाँ से कल नहीं जा रहे हैं, हम एक दिन रुक के जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं। पता नहीं कैसे सर्वाइव करेंगे, पता नहीं। और ये जगह ऐसी नहीं है कि आसपास शॉप्स हैं या मॉल है या फिर स्टोर हैं, कुछ ऑर्डर कर लो। आसपास कुछ नहीं है और खाने में क्या खाएंगे पता नहीं।
सो गाइस, ये एयरबीएनबी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है. क्यों? क्योंकि ये 1902 से पहले एक रेलवे स्टेशन था. ये एयरबीएनबी बहुत ही ज़्यादा डेंस है क्योंकि यहाँ पे जो भी आइटम रखा हुआ है, जो भी कलेक्शन है, विंटेज कलेक्शन, बहुत ही ज़्यादा कूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. हर एक चीज़, मतलब ये इतना ज़्यादा डेंस है ना, आप हर बार अगर इस घर में चक्कर लगाओगे कुछ ना कुछ चीज़ आप मिस कर दोगे. तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ नई चीज़ देखने को मिलेगी. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये की का, यू कैन चेक इट आउट. सो द की इज़ सो यूनिक. ओके, जो भी सारा फर्नीचर रखा हुआ है वो बहुत ही यूनिक है. टेबल लैम्प्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, सारी चीज़ें बहुत ही यूनिक है, चाहे वो घर के अंदर है चाहे बाहर है. तो अगर आपको विंटेज कलेक्शन पसंद है और आप ऐसे एक रिमोट प्लेस में रहना चाहते हो, एयरबीएनबी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, यू कैन कम ओवर. आई लाल. सो दिस इज आवर होस्ट प्रर एंड ही इज सो नाइस. ही प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर अस इन द मॉर्निंग. आई एम गोइंग टू बी आउट इन द गार्डन अ लिटिल बिट. ओके, इज इट ओके इफ द डॉग इज इन द किचन और? या दैट्स फाइन. बहुत ही अच्छा सरप्राइज था. आई होप यू लाइक द वीडियो. जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर. जैसे ये खिड़की है, ये बहुत ही पुरानी स्टाइल की है, तो इसको खोलने का ये है कि आपको दोनों खोल के पकड़ के अंदर लाना है, वरना ये ऐसे करके खुलेगी. ठीक है, अगर आपने एक खोल के छोड़ दिया तो ये बाहर गिर जाएगी. इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर आप दिया बना सकते, मतलब रख सकते हो, और ये खिड़कियाँ ऐसे लाइट करने के लिए.